आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश भर में 24 घंटे के भीतर कोरोना केस 3 लाख के पार। कर्नाटक में 50,210 नए मामले आए। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 4 नेशनल हाईवे सहित 731 सड़कें बंद। बिजली आपूर्ति भी ठप। पूरे उत्तर भारत में सर्दी की मार। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। दिल्ली में जनवरी महीने में बारिश ने 121 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। लखनऊ में रकाबगंज में कारोबारी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। 3 करोड़ रुपए बरामद। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। खबर अलीगढ़ से है, जहां क्वारसी स्थित जौहर कॉलोनी में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस के कोल विधानसभा प्रत्याशी विवेक बंसल की अर्थी निकालकर उनका पुतला दहन करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर विवेक बंसल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि पुलिसकर्मियों के रोकने के बावजूद भी युवाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी का पुतला दहन कर दिया। विवेक बंसल का पुतला दहन किया गया है वाल्मीकि कॉलोनी जवाहर कॉलोनी से। हमारे विवेक बंसल का पुतला मतलब अर्थी निकाल के लाए थे और नितिन चौहान वाल्मीकि को इंग्लास की टिकट बेची है विवेक बंसल ने। इसके विरोध में आज ये अर्थी निकालकर पुतला दहन किया गया क्वारसी चौराहे पर। और इन विवेक बंसल ने पैसे की साठगांठ करके इंग्लास की सीट बेची। ये अपने उच्च पदों का हरियाणा के प्रभारी हैं, CWC के मेंबर हैं और तमाम इन पे ऐसे पद हैं जो ये पार्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अलीगढ़ में ये सत्यानाश कर रहे हैं कांग्रेस का। मैं पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये बर्खास्त करें। खबर अलीगढ़ से है, जहां तहसील इगलास में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राकेश टिकैत ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान टिकैत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना जैन मुद्दों 15 मार्च तक एग्रीमेंट पर लाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं बनना है, केवल विकास देखकर वोट देंगे। वहीं दूसरे ओर राकेश टिकैत ने MSP को लागू करवाने की भी बात कही है। अब 13 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली में होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा चुनाव में क्या रहेगा, तो इसका मतलब ट्रेनिंग किसानों की कच्ची रही। आधे रेट में फसल बेच के, आलू को आधे रेट में बेच के, अब भी चुनाव की बतानी पड़ेगी कि क्या करना है चुनाव में। आपका जो है क्या किसी पार्टी की तरह बता तो दिया रहे हैं भाई, किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेच के और उसको चुनाव में क्या करना वो हमको थोड़ा बताना। तो आपकी मतलब इस जो चुनाव है, जैसे आप लखनऊ जाने की बात करते थे कि कुछ दिन पहले जो है कि मैं लखनऊ जाऊंगा जो है, तो गए थे ना, मीटिंग करी थी लखनऊ आप गए थे जो है, लेकिन आज जो स्थितियां हैं तो आपका कोई स्टैंड भी तो होना चाहिए। किसान तो जैसे आपकी तरफ तो देख रहे हैं, स्टैंड तो है ना, कहीं कुछ कहे आधे रेट में अपनी फसल बेच के वोट कहा इनको देनी, वो भी हमें ही बताने की जरूरत पड़ेगी। आपकी ओर स्वतंत्र है किसान जो अपना विचार रखते हैं, आधे रेट में फसल बेच के उसको जहाँ वोट दे। अलीगढ़ पहुंचे धर्म कोर कमेटी के सदस्यों ने अलीगढ़ धर्म संसद कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने कहा कि 22 से 23 जनवरी के बीच होने वाली धर्म संसद दो वजह से स्थगित कर दिया गया, जहां एक तरफ उत्तराखंड पुलिस ने उनके दो योद्धा यति नरसिम्हानंद और जितेंद्र त्यागी को बंद कर रखा था, तो वहीं कोरोना महामारी को लेकर धर्म संसद स्थगित कर दी गई है। लेकिन अब यह कार्यक्रम का आयोजन 2 से 3 अप्रैल के बीच किया जाएगा। मैंने सिर्फ योगी जी का नाम लिया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ योगी जी का नाम इसलिए लिया है क्योंकि आज वास्तव में यदि इस देश में किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है, किसी एक विशेष समुदाय वर्ग धर्म कुछ भी कहे, आप जो भी उसे शब्द देना चाहे उसकी यदि आवश्यकता है, तो वह है संत। अब इस देश का उद्धार संत ही कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आर्मी में सैनिक बनाए जा रहे हैं और वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं,
लेकिन आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शास्त्र संवत होकर के आपको सैनिक बनना है। मैं एक ही नारे को बार बार बोलती हूँ कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण हो। देखिए, ये माता बगला मुखी का यज्ञ हमारे इस धाम में प्रतिवर्ष ही होता है, किंतु इस वर्ष हम लोग धर्म संसद यहाँ पर हमारी पूर्व नियोजित थी, जो कि हम लोगों ने प्रशासन के को सहयोग देते हुए प्रशासन के आवेदन पर इसको पोस्टपोन कर दिया, और अब यह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगी। और निश्चित तौर पर अलीगढ़ में ये जो सूक्ष्म कार्यक्रम रहा, ये बहुत ही अच्छा रहा, और हम लोग बात कह सकते हैं कि जैसे परम पूज्य महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा भारती जी ने आपको बताया कि कैसे इस समय माता बगलामुखी के यज्ञ में दो ही बातें मांगी गई कि हमारे दो धर्म योद्धा जो इस समय उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में है। खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली इलाके के महुआ शिवनाथ सिंह राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में टेट प्रवेश परीक्षा के प्रथम पाली में सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कॉलेज के बाहर प्रवेश पत्र दिखाते हुए कॉलेज पर समय से पहले गेट बंद करने का आरोप लगाया है। हम लोग को टाइम से पहले गेट बंद कर दिया गया, उसके 8 मिनट पहले गेट बंद कर दिया गया। हम लोग टाइम पे आए, रास्ते में जाम चारों तरफ लगा है, इधर उधर पूरे कचड़े हैं, कैसे कोई आए। और स्कूल का नाम पहले तो सेंटर सही नहीं डाला गया, हम लोग इधर उधर भटक भटक के सेंटर कॉलेज खोज रहे हैं। एक्चुअली हम लोग 9:30 यहाँ पे गेट पे भी लिखा हुआ, एंट्री टाइम हम लोग के प्रवेश पत्र में भी है 9:30 हम लोग को एंट्री करना है। मैं 9:26 पे यहाँ पे आ गई थी, लेकिन उससे 10 मिनट पहले ये सब गेट क्लोज कर दिए थे, इस वजह से हम लोग बाहर ही रह गए, हम लोग का एग्जाम भी छूट गया। सर वहाँ पे जो गवर्नमेंट के SOs थे, उन लोग से हम लोग ने बात किया तो बोल रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का वो है, हम लोग अब नहीं इसको वो कर सकते हैं, हम बड़े अपने अधिकारी से बात कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। 9:28 पे ये गेट बंद हो गया है, इस वजह से अंदर नहीं जाने दिया गया है, इस वजह से बाहर खड़े, और हम भी नहीं खड़े हैं, हमारे साथ 100 छात्र खड़े हैं, 100 लोग हैं, और सर बगल वाले स्कूलों में 9:40। खबर को शाम्बी से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सुनियोजित प्लान करके पति के लापता होने के मामले में खुद जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य ने सफाई देते हुए डिप्टी सीएम को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा है कि वो खुद हमारे घर आए थे और हमारे परिवार का भरोसा दिया था। घर से वापस जाते वक्त नारेबाजी और हंगामे को जिला पंचायत सदस्य ने विपक्षी पार्टियों की साजिश बताया, और साथ ही हंगामा और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज 4 दिन हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर आए हुए हैं, उन्होंने हमसे बात भी की है। मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि वो मेरे घर आए हैं, मेरा वो काम करेंगे, वो ढूंढ के लाएंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन जनता क्या कर रही है ये मुझे नहीं पता। जनता क्यों ऐसा कर रही है ये मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, जो आके यहाँ पे हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे केस के लिए बहुत बड़ा। चुनाव के मद्देनजर रायबरेली में पुलिस मुस्तैद हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर वाहनों की सगिंग जांच की। इस दौरान जहां सत्ता पक्ष के एक नेता की गाड़ी रोककर पुलिस ने काली पन्नी निकलवाई, वहीं विपक्ष को एक संभावित उम्मीदवार की गाड़ी भी रोकी गई। वहीं एक वाहन में चेकिंग के दौरान शराब की बोतल मिली। हालांकि पूछताछ में सामने आया कि वाहन स्वामी एक बोतल और कुछ खाली ग्लास अपने इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था। खबर रायबरेली से है, जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने सपा की पुरानी पेंशन और 300 यूनिट फ्री बिजली के दिए जाने वाले सपन दिखाए जाने बताया। वाजपेयी ने कहा कि सपा सरकार आ ही नहीं रही है तो ऐसे वायदे का क्या मतलब है। आज सपा ऐसे वादे कर रही है, जब उनकी सरकार थी तब वो क्या कर रहे थे। भाजपा में सपा में शामिल हुए लोगों पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ लूट खसोट नहीं कर सके इसलिए छोड़कर चले गए। अपने लोगों से मिलने जुलने का था, अपने लोगों से मिलकर वार्ता करके 2022 का
चुनाव होने जा रहा है तो उस संबंध में पार्टी के लोगों से सबके साथ बातचीत और लोगों से मिलना जुलना, कुछ व्यक्तिगत भी लोगों के यहाँ जाना था वो संपर्क के लिए। वो समाजवादी पार्टी की नीतियों से ऊब करके पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं और उसने अपना बड़ा समय समाजवादी पार्टी में बर्बाद किया, इसलिए वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप जानते हैं कि योगी बाबा का के रहते भ्रष्टाचार की खुली छूट नहीं हो सकती। वो लोग जो इस मंशा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे कि सरकार में मंत्री बनेंगे और पिछली सरकारों की तरह उत्तर प्रदेश को लूटने का काम करेंगे, उनको ये अवसर नहीं मिला तो इसलिए कुंठित होकर के वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज लखनऊ में ऐलान करते हुए कहा कि हम आगामी विधानसभा चुनाव छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी पर बात करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूं और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। अगर मुख्यमंत्री मुझे जेल में डालते हैं तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे हत्या करवाते हैं तो भी मेरा परिवार संगठन चुनाव लड़ेगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्राइम टीवी से बातचीत करते हुए कुछ कहा है। आजाद समाज पार्टी ने एक बड़ा ऐलान आज किया है। उन्होंने कहा है कि हम छोटे छोटे दलों के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर आजाद खुद। सर, आप उत्तर प्रदेश गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गोरखपुर की जो स्थिति हमने बेहतर कर दी वो कोई नहीं कर सकता था, कानून व्यवस्था, एम्स, जो दिमागी बुखार से बच्चे वहां मरते थे अब उनकी संख्या काफी कम हो गई है, धीरे धीरे और कम हो जाएगी। तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जा रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज जो बर्बादी हुई उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सत्ता की चाबी उनके पास थी। वो चाहते तो परिवर्तन कर सकते थे, वो चाहते तो कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते थे, वो चाहते तो बेड की वेंटिलेटर की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन उस समय जिस समय यहाँ कोरोना से लोग परेशान थे तो बिहार में जाके प्रचार कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो उस समय ही उनको ये पद जो है त्याग देना चाहिए था। और आप समझिए, जिस मुख्यमंत्री के आप आए उनको तो ये नहीं पता कि उनके दफ्तर में कौन आदमी जो है बदल जाएगा और उनके दफ्तर में कौन आदमी जो है दिल्ली से आके उनके दफ्तर का मुख्य संचालक बन जाएगा, कौन ऑपरेट करेगा, जिनको ये भी नहीं पता। वो अगर इस तरह की बातें करते हैं तो वो जनता को बहकाने काम कर रहे हैं। जिनको पूरी फौज जो है उत्तर प्रदेश में उतारनी पड़े तो इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया। जो राशन दे के बहुजन समाज के लोगों का शासन करने का अधिकार छीनना चाहते हो, जनता जो है जो उनके राशन से लोगों के जमीर को खरीदना चाहते हैं, उनके वोट खरीदना चाहते हैं, जनता उनसे उनके खिलाफ और जनता उनको उनके खिलाफ वोट करके उनको हराने का काम करे। अभी आप बोल रहे थे कि अखिलेश यादव आपके बड़े भाई जैसे हैं, अखिलेश यादव के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने ये भी कहा कि बसपा सुप्रीमो का भी आप सम्मान बहुत करते हैं, तो अगर वो मुख्यमंत्री वाला कुछ चेहरा बनती है या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपके सपोर्ट से बन सकती है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? मैंने कहा कि ये तो अब जनता तय करेगी कि जरूरत किसको पड़ती है, लेकिन हमें विश्वास है अपनी मेहनत के जरिए कि आजाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। हम मेहनत हम ये माने कि आप हो सकते हैं, ये हमारा गठबंधन तय करें, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने काम किया 5 साल में और हमारी मेहनत से जब हम अपने मुद्दों को मैनिफेस्टो को लेकर डोर टू डोर कंपेनिंग करेंगे हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि अगर आज किसी के पास सबसे बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश में तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पास है, तो जनता का समर्थन हमें मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है और उसके अलावा ये बीजेपी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, डिजिटली मामला आजकल चल रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कहा कि फिजिकल बहुत ज्यादा नहीं होगा, सब कुछ डिजिटल करिए, आप लोग तो डिजिटल भी इतना स्ट्रांग अभी नहीं है, तो कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे आप? किसने कह दिया स्ट्रांग नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका कैमरा मेरे पास नहीं है, आपका माइक मेरे पास, तो डिजिटल हम लोग स्ट्रांग नहीं है? आप पता कराइए, जितनी ताकत बीजेपी के पास है। हाँ, उनके पास पैसे हैं जो इसी जनता की जेब से चुराए, लूटे, हड़पे, धोखा दे दे के जनता को, जो भ्रष्टाचार कर करके अपनी जेबें भरी। जब जांच होगी ना सब निकल जाएगा, और जनता चाहती है कि नेताओं की जांच हो, मेरी भी हो और उन सब लोगों की हो जिन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए और वो बड़े हो गए, जनता वहीं की वहीं रही। हमारी डिजिटल ताकत इतनी है कि अभी 3 दिन पहले ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी के लोग ट्रेंड करा रहे थे और हमसे 4 गुना ट्वीट पे पीछे थे। अभी तो शुरू हुआ है आंदोलन, आप देखते जाइए, ना हम पे सर कम है, ना हम पे लोग कम है, ना हमारे जो संकल्प कमजोर है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा
और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। मुख्यमंत्री जी ने गिरफ्तारी करवा दी चुनाव से पहले, तो जेल से चुनाव लड़ेंगे? एक क्रांतिकारी के लिए तो हथकड़ी और जेल जो है उसका घर होती है, तो मुख्यमंत्री करा दे गिरफ्तारी तो जेल से लड़ेंगे चुनाव? मैं अपने बात से पीछे नहीं हटूंगा। मुख्यमंत्री जो करना है करें, वो मेरी हत्या भी करा देंगे तो मेरा परिवार इस काम को आगे बढ़ाएगा, लेकिन हम उनसे डरेंगे नहीं। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, अगर मुख्यमंत्री मुझे जेल भी भिजवाते हैं तो मैं जेल से भी चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बेहाल हुई हैं, बदहाल हुई हैं, वो यूपी गवर्नमेंट की वजह से हुई है, मुख्यमंत्री की वजह से ही हुई है, और मैं इन स्थितियों को बेहतर करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लड़ता रहूंगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। सिद्धार्थनगर जिले में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन यहाँ पर किसी न किसी रंजिश को लेकर खून खराबे की घटनाएं होती रहती हैं। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र कन्हौलिया गांव का है, जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे के साथ चाकूबाजी हुई, जिसमें चाकू लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिले अस्पताल में चल रहा है। आपको बताते चले कि घायल स्थिया गाँव के ही रहने वाले रफीकुल्ला से पैसे की लेन देन को लेकर काफी समय से रंजिश चल रही थी। आरोपी रफीकुल्ला के ऊपर इस्तियाक पैसे का बकाया था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरफ्तार नाम का आदमी था, वही उन लोग को प्लान बनाया, चाकू ले जाके दिया, और उसके घर में तीन लोग थे, सब मिलके जो है, और औरत थी, सब मिलके जो है हमारे ऊपर अटैक कर दिया। हम गली से जैसे निकले तैसे पीछे से अटैक कर दिए, सब मारने लगे, धड़ाधड़ दो लोग पकड़ लिए, सुता के मारे, चाकू से गटे काटने जा रहे थे, मैं झटका मोड़ के जाके चाकू उन लोग को लग गया। सर थाने में सर तारी दिए, चौकी पर सूचना किए, चौकी के सिपाही तुरंत पहुँचे, वो दो तीन लोग को गिरफ्तार कर लिए, एक लोग फरार है अभी। कनौलिया गांव में मारपीट हुई है आज, जिसमें एक व्यक्ति को चोट लगी है और उसका उपचार कराया जा रहा है जिला अस्पताल में, स्थिति उसकी खतरे से बाहर है, और प्रकरण को तत्काल संज्ञान में ले लिया गया है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, तीन लोगों को हिरासत। बारिश के दिनों में बहुत से लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस्ती में आवास विकास कॉलोनी में हर साल बारिश की समस्या से सैकड़ों लोग जूझते हैं। लोगों के घरों में बारिश में पानी भर जाता है, जिस वजह से मकानों में बारिश के समय ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, जिसके लिए लोग आवास विकास कॉलोनी के लोग मकान लिफ्टर को बुलाकर मकान लिफ्ट करवाते हैं। चार रद्दे निकालते जाते हैं, जेक फिट करते जाते हैं, और फिट करने के बाद में फिर अपना ये चैनल डालते हैं। अच्छा, चैनल डाल के फिर अपना सेटिंग करके पट्टी फिर लगाते हैं। बहुत सारे जेक लगे हैं इसमें, 250-250 जेक लगे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे जौने हिसाब से मकान होता है इसी हिसाब से। एक मकान उठाने में कितना समय लग जाता है? करीब करीब जौने हिसाब से मकान होता है उसी हिसाब से मतलब हम समय लेते हैं। जैसे 1000 स्क्वायर फुट का है तो उसमें 1500-2500 दिन लग जाते हैं। अच्छा जी, कितने लोगों का आपका टीम वर्क है, कितने लोग काम करते हैं? करीब करीब हमारी टीम तो इस समय 10-12 लोगों की चल रही है, बाकी जब जरूरत पड़ती है तब फिर हम। कहाँ कहाँ तक आप लोग काम किए हैं? बहुत करते हैं, दिल्ली, फैजाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ऐसे बिहार, झारखंड, बहुत जगह, सारी जगह करे हैं जी। जैसे हमारा मकान रोलेरी से नीचे हो गया है आपका, तो हम लोग जेल से मकान उठाते हैं, पूरा बना बनाया मकान उठा देते हैं। कितने मंजिले तक का मकान आप लोग ऊपर कर सकते हैं? जैक से लगा के 5 मंजिल तक का मकान उठा सकते हैं। जैक कैसे, कितना जैक लगता है? जैसे जैक उसमें एक लगाते हैं और दवाल पहले काटते हैं, फिर एक जैक लगाते हैं, फिर दवाल काटते हैं, फिर एक जैक लगाते हैं। एक मकान उठाने में कितना जैक लगता है, कितने वर्कर लगते हैं आपको? इसमें 100 गज के मकान में 200 जैक लग जाती हैं, उसमें 30 लड़के लग जाते हैं वर्कर। कितने समय में 100 गज का मकान आप उठा देते हैं? वो 1.5 महीने में उठा देते हैं। अच्छा, इसमें किसी तरह का रिस्क भी रहता है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें, और ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।